खाना बनाने के साथ साथ आपको सिंपल, इजी और ब्यूटीफुल सैलड डेकोरेशन भी बता सकूं, इसकी मैं पूरी कोशिश करती हूं। और बहुत ही सिंपल सिंपल आप सभी के फरमाइश पे डेकोरेशन भी करती हूं, चाहे घर के सैलड हो या स्कूल कंपटीशन, मैं बहुत ही आसानी से बताती हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो डेकोरेशन मैं बता रही हूँ वहाँ पर मैंने कुकुम्बर लिए हैं और अनियन लिए हैं, कैरेट, टोमेटो, जो भी आप चाहें सैलड में जो आप खाती हैं वो ले सकती हैं। तो आप लोगों के ये क्वेश्चन थे, बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैं आपको इस टाइप के जैसे ट्रे हो उसमें सैलड डेकोरेशन करना बताऊं। तो ऐसे गोल वाले प्लेट में तो मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह मैंने लंबे लंबे शेप में डेकोरेशन किया है और यहाँ पे मैंने कुकुम्बर किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बीच में मैं टोमेटो डाल रही हूँ। टोमेटो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बीटरूट डाल सकती हैं, कैरेट डाल सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो सब्जियां वो डाल सकती हैं। लेकिन आपको लगे कि नहीं मुझे कैरेट, कुकुम्बर और ये सारी चीज़ें, बीटरूट सब डालने हैं इसमें, तो सब्जियों को आप हाफ हाफ करके, और उसके बाद जैसे यहाँ तक मैंने डेकोरेट किया यहाँ पर टोमेटो, उसके बाद आप बीटरूट डेकोरेट कर सकती हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ तीन चीज़ों के साथ ही कर रही हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको सिंपल तरीके से जो सब्जियाँ हमेशा अवेलेबल होती हैं उनसे आपके सैलेड को कैसे डेकोरेट कर सकती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करूँगी जो सैलेड के प्लेट को बनाएगा और भी ज़्यादा यूनिक, खूबसूरत। ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। आप लोगों के फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं अनियन बहुत कम ऐड करती हूँ। तो जी देखिए, अभी इस सैलेड में मैं अनियन भी ऐड करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो इसमें और फिर होते हैं कि मेरे स्लाइसेस बड़े बड़े होते हैं। तो जी, नॉर्मल सैलेड के डेकोरेशन ऐसे ही रहते हैं। अगर आपको छोटे छोटे करना पसंद है तो इनको आप हाफ हाफ कर सकती हैं, ऐसे भी आप डेकोरेट कर सकती हैं, क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। तो हर तरह से आप अपने पसंद के अनुसार डेकोरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये अनियन भी डेकोरेट कर लिया है। ये देखें तो सिंपल सा, आप देखना यहाँ बीच में मैंने दोनों साइड में गैप छोड़ा है। अब गैप मैंने क्यों छोड़ा है, आपको लग रहा होगा कि इन्हें मैं एक में अटैच कर दूं। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी हरा सर्दी का मौसम है तो हरे हरे प्याज आपको मिल जा रहे होंगे, उसको इस तरह से आपको कट कर लेने हैं। और उसके बाद आपको लेने हैं मिर्ची और नींबू, जो कि सैलेड की जान होती है। तो आपको अगर बड़े साइज़ की मिर्ची है तो आप इसे हाफ हाफ कट कर लीजिए, इससे इसका लुक सैलेड के प्लेट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप देख सकती हैं जिस तरह मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। उसके बाद बहुत लोग सैलेड में नींबू खाना पसंद करते हैं, तो नींबू और यहाँ पे मिर्ची, दो चीज़ को ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो इससे आपके सैलेड का प्लेट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकती हैं किस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस डेकोरेशन को बनाया है और बहुत ही आसानी से आप कर सकती हैं, चाहे घर में बनाइए, स्कूल कॉम्पिटिशन हो, हर जगह आप अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर लगभग देखिए मिर्च मैंने ऐड कर दिया है, और अगर आप पतली सी मिर्च आप ले रही हैं तो आप बिना कट किए भी रख सकती हैं।